मंच पर विराजमान माननीय पद्म विभूषित आदरणीय सोनल मानसिंह जी श्रीमती संगीता त्यागी जी श्रीमती प्रतिमा लाकड़ा जी और इस सभागृह में उपस्थित तो, पूज्य मातृशक्ति भारतीय चिंतन में महिला इस विषय पर कुछ बात आपके सामने रखने के लिए मेरे को कहा है हमारे देश में लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या और लगभग 50 प्रतिशत सड़सठ करोड़ के लगभग महिलाएं बहने माताएं हैं हमारा देश विविधतापूर्ण है और इसलिए दूर बिल्कुल ट्राइबल एरिया वहाँ रहने वाली बहने समुद्र के किनारे के गांव वहाँ रहने वाली बहने बड़े बड़े अपार्टमेंट ऑफिस वहाँ रहने वाली बहने मजदूरी करने वाली भी माताएं बहने पार्लियामेंट में सांसद के रूप में और जैसा कि सोनल मान सिंह जी ने बताया फाइटर प्लेन से लेकर के और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई दिखती हुई बहनें ऐसा विविधतापूर्ण महिलाओं का बहनों का एक बड़ा स्वरूप हमारे सामने है आज भारत के किसी भी क्षेत्र में हम बहनों को देख सकते हैं वे राष्ट्रपति भी हैं मुख्यमंत्री भी हैं सांसद हैं विधायिका हैं वैज्ञानिक हैं डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं में हैं, वो इंडस्ट्रियस्ट हैं, वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन्स में वो भी आज आगे आरडी परेड का नेतृत्व करने के लिए भी आगे है ओलंपिक के मेडल्स में भी, भी आगे है अभी इस साल जो सिविल सर्विसेस का जो रिजल्ट आया उसमें ऊपर की पांच लोगों में चार बहने हैं ध्यान रखिए है। टॉप ट्वेंटी में बारह बहने हैं किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बहनों का परसेंटेज ही नहीं केवल ज्यादा है पोजीशंस में भी उनका नंबर अच्छा है चाहे सी बी एस ई का बोर्ड हो चाहे यूपी का एग्जाम हो चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो कोई बोर्ड हो हर बोर्ड में बहनों का स्थान बहुत अच्छा है लेकिन एक दूसरा पक्ष भी अपने सामने दिखता है बहुत गरीबी से जूझती हुई बहनें हैं देश में 50 प्रतिशत बहनें एनिमिक है रक्त की कमी है बहुत बहने महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार में संघर्ष कर रही हैं कैसे परिवार का पालन किया जाए वहाँ की पारिवारिक व्यवस्था अच्छी नहीं है बहुत स्थानों पर अभी भी अधिकार संपन्न होने के बावजूद भी वे प्रताड़ित है कभी वह हिंसा का शिकार हो जाती है और कभी कभी बदमाशों और गुंडों से घिर भी जाती है ऐसे बातों में संघर्ष करती हुई हमारे देश की बहन महिला माता हमको दिखती है क्षेत्र बड़ा व्यापक है और विस्तृत है हमको कई बार ये बताया जाता है कि भगवान ने हिंदुस्तान में महिला को ऐसा ही बना दिया है हमको भी लगने लगता है कि शायद भारत में महिला ऐसी ही है और एक विकृत स्वरूप हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाता है इसमें सत्यता भी है आज से अगर सौ वर्ष पहले देखते हैं तो भारत में जो महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत है वो केवल दो और तीन कुपोषण का प्रतिशत और भी ज्यादा पचास और साठ सत्तर ये था मृत्यु की दर ये भी बहुत ज्यादा थी वो एक दृश्य था वो दृश्य तेजी से बदल रहा है भारत के बारे में ये भी प्रचारित किया जाता है या महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है महिलाएं उपेक्षित है तरह तरह की जो परंपरा का समस्याएं उनमें ग्रस्त है लेकिन क्या हमको ध्यान में आता है ये कैसे हो गया हम कौन थे भारत की महिला कौन थी भारत की महिला क्या है और भारत की महिलाओं को क्या होना है एक लंबा इतिहास जब तक हम लोग नहीं देखेंगे और थोड़ा पूर्व काल में इतिहास में पीछे नहीं झांकेंगे तो हम कौन थे ये कैसे ध्यान में आएगा और सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि भारत में महिला के उदगम की कहानी क्या है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या है महिला के संबंध में हमारा दर्शन क्या है पश्चिम के बारे में मैं बाद में बताऊंगा लेकिन भारतीय दर्शन के अनुसार जो महिला है वो एक ब्रह्म से उत्पन्न है ब्रह्म एक था लेको एक अकेले को आनंद नहीं था एक का की न रमते वो अकेला रहता नहीं था उसको आनंद नहीं था तो उसने दो की इच्छा करी स? ए छ हम दो हो जाएं, एक ब्रह्म दो में ऐसे विकसित हो गया एक के दो हो गए तो उन दो में से ततः वह पतिश्च पत्नी च एक में दो हुए ततः पतिश्च पत्निश्च एक में से दो हुए हैं जैसे चने की दाल में से दो दल बनते हैं एक छोटा नन्ना पौधा विकसित होता है तो दो पत्ते ऐसे निकलते हैं इसमें छोटा और बड़ा नहीं होता तो भारत में जो नारी का उद्भव है वो नर के साथ है इसमें छोटे बड़े का प्रश्न ही नहीं है ये हमारा कंसेप्चुअल फैक्ट है जो हमारा वैचारिक दर्शन है ये हमारा सिद्धांत है और इसलिए दोनों में ब्रह्म है तो समान है जीव है तो समान है आत्मा है वो समान है और इसलिए जो अर्थ नारीश्वर है तो आधा आ पुरुष है तो आधा नारी है पश्चिम का दर्शन इससे थोड़ा भिन्न है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा महिला जो है स्त्री जो है वो धारण करती है वो धारण करती है इसलिए धारणी है वो जन्म देती है इसलिए जननी है वो पालन करती है मातृत्व तो देती है इसलिए माता है अब किसी भी चीज का जन्म होता है तो उसका आधार वो जननी है वो नारी है और जननी भी है वो माता भी है वो धारणी भी है और स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसके प्रति सम्मान का भाव इस देश में अधिक विकसित हो गया और जैसे जननी माता के रूप में सारी सृष्टि का जैसे उन्होंने बताया सुनल जी ने सारी सृष्टि का ही इससे हुआ है जो वाघ्रणी करके जो ऋषिका है वैदिक काल में वो कहती है मेरे कारण ही इस जगत का निर्माण हुआ है वाघ्रणी करके ऋषिका कहती है मेरे कारण इस सारे जगत के निर्माण की कर्त्री जननी मैं हूं ये वैदिक है ऋग्वेद में इसने कहा है तो मदर ऑफ द यूनिवर्स जो है ये महिला है ये नारी है ये अपने को ध्यान में रखना है और जैसे सोनल जी ने कहा नारी हूं और बराबर हूं तो आप लोग तय कर लीजिए बराबर रहना है कि बड़ा रहना है हमारे सिद्धांत में तो बहुत बड़ा स्थान है बराबर का स्थान नहीं है किसी माँ का बेटा सन्यासी हो जाता है योगा योग ऐसा होता है माता पिता दोनों मिल गए तो सन्यासी दौड़कर मां का पैर छूता है और पिता दौड़कर सन्यासी पुत्र का पैर छूता है ध्यान रखिए सन्यासी पिता का पैर नहीं छूता पिता अपने सन्यासी पुत्र का पैर छूता है और सन्यासी पुत्र अपनी मां का पैर छूता है बराबर कहा है बराबर नहीं है नारी का स्थान भिन्न है वो बहुत बड़ा है छोटा नहीं है हमारे घर में बच्चे अधिक थे भाई बहन चाचा सब मिलकर के मिल जाते थे बहनें भी थी किसी भी छोटी बहन ने या किसी बड़े भाई को मार भी दिया वो वो आठ दस वर्ष की है भाई चौदह पंद्रह वर्ष का है मार दिया भाई को यह अधिकार नहीं है पलट करके बहन को मारे ना अगर थोड़े से भी अगर ऐसा हाथ लगा दिया उस तुरंत शिकायत करती है चाची जी देखो हमको मारते हैं ये तो उसकी पिटाई हो जाएगी क्यों मारा बहन को क्यों मारा बराबर नहीं है भाई दोनों का स्थान भिन्न है ध्यान में रखिए और श्रेज अपने को ध्यान में रखना है तो ऊपर जाना है कहां से हम लोग उपजे हैं उद्भव कहां है हमारा उद्गम कहां है हम कौन थे तो दुनिया का विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद उस ऋग्वेद में देखिए महिला कहां है ऋग्वेद कहा में ऋषि हैं। ऋषि जो है वो पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकती है लेकिन हम समझने के लिए ऋषि को ऋषिकाएं बोल देते हैं तो महिलाएं हैं ऐसा मान लीजिए क्या हमको मालूम है कि ऋग्वेद में सत्ताईस महिलाओं ने अपनी ऋषाएं दी हैं इसमें सत्ताईस महिलाओं के नाम भी नहीं मालूम आज हमको डिबेट चलती है महिला भारत में कैसी है अरे सारे दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ है वहां से उठाओ ना वहां से देखो तो सूर्या सावित्री है अपाला है घोषा है विश्ववारा है यमी है शाश्वती है इंद्राणी है पोलोमी है उर्वशी है दक्षिणा है इन महिलाओं के नाम भी आज के युग में पढ़े लिखे लोग कम ही जानते हैं क्योंकि हमको नहीं बताया गया और परे इतिहास को पीछे रखो छोड़ दो कुछ नहीं है उसमें अब मैं एक ऋषिका के बारे में बताता हूं जो हम सबको जानना चाहिए सारी इस धरती पर विवाह की पहली व्यवस्था जिसने दी उसका नाम महिला है उसका नाम है सूर्य सावित्री ध्यान रखिए ऋग्वेद में सैतालीस मंत्र उसने दिए हैं ऋचाए और अथर्वेद में दो सूक्त विवाह के दिए हैं लगभग पिचानवे उसमें श्लोक उसके है पंद्रह बीस हजार वर्ष पूर्व ये सूर्य सावित्री विवाह की व्यवस्था देती है और बहुत सुंदर जो व्यवस्था उसने दी है आज तक वही चली आ रही है वो लंबा है वो मैं नहीं बताता लेकिन छोटा छोटा बताता हूं ध्यान में रखने के लिए वो पति जो है जब बालिका का कन्या का वधु का हाथ ग्रहण करता है तो क्या बोलता है वो वो बोलता है ग्रहणामी ते सौ हस्त मया मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं तुम सौभाग्यशालिनी हो हम वृद्धावस्था तक साथ साथ रहें और बताता है ये देवता लोग इसके साक्षी बने हुए हैं विवाह को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया विवाह को संस्कार देने का काम इस सूर्या ने किया है और आगे चल करके वो विवाह आगे बढ़ता है तो इस विवाह में पति पत्नी बैठे हैं और ये बधु बैठी है तो पति कहता है देखिए आइए सब लोग जो विवाह में उपस्थित हैं मेरी सुमंगली वधु को देखिए इसको आशीर्वाद दीजिए उसके बाद अपने अपने घर जाइए ये बीस हजार वर्ष पहले है वो श्लोक बोलता है सुमंगलीरियम वधु इमाम समेत पश्यत समेत पश्यत माने सब लोग आओ सुमंगलीरियम ये सुमंगली ये वधु है ये सौभाग्यशाली नहीं है आप इसको आशीर्वाद दे करके जाइए अब अगला चरण देखिए यह वधु ससुराल में आ गई ससुराल में ग्रह प्रवेश कर रही है ग्रह प्रवेश करते समय इसकी आरती होती है इसका विधान उस, उस सूर्य ने दिया हुआ है वो श्लोक बोला जाता है ऋचा बोली जाती है जब उसके ग्रह प्रवेश के समय वो पुरोहित बोलता है वो वधु प्रवेश कर रही है घर के अंदर वो आप सब जानते हैं वो कहता है अब तू इस घर में प्रवेश कर रही है तू महारानी बनकर प्रवेश कर साम्राज्ञी स्वसरे भव इस ससुर के घर में तू महारानी बनकर साम्राज्ञी स्वश्रवाम भव ये सास का घर है तू महारानी बनकर ननांदर साम्राज्ञी भव ये ननद के घर में तू महारानी बनकर आ साम्राज्ञी भव देव ये देवर है मेरे छोटे भाई हैं इनके घर में तू महारानी बनकर कहा कितना महिमा मंडन कर दिया इसने नववधू का आज भी श्लोक दोहराया जाता है लोग ध्यान से सुनते नहीं हमने इस नववधू को महारानी बनकर के कहा और ध्यान में रखिए इसने पति ने अपना घर नहीं बोला है यहां ध्यान रखिए इसने कहा ससुर का घर है सास का घर है ये ननदों का घर है ये देवर तेरे हैं यहां तू महारानी हमारी अपना नहीं बोला पति के घर में नहीं आई है वो तो विवाह की व्यवस्था एक लड़का एक लड़की है नहीं है विवाह की व्यवस्था पूरे कुटुंब के साथ है इस कुटुंब के साथ तू महारानी बनकर रहेगी कितनी बड़ी घोषणा इसने करी है सूर्य सावित्री ने तू महारानी बनकर रहे इस घर में पहला दिन है अभी तो प्रवेश कर रही है ऐसी दृष्टि ऐसा दर्शन ऐसा विचार सारे दुनिया में कहीं आपने सुना कोई महिला या पुरुष कहीं किसी दुनिया में दे सका नहीं दे सका हमने भी नहीं पढ़ा आश्चर्य की बात यह है एक हजार वर्ष की पराधीनता ने गुलामी ने हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि दुनिया के लोग कहते रहे हम मूर्ख हमने कहा हाँ हम मूर्ख दुनिया ने सभ्य तो हमने भी चिल्ला करके कहा बिल्कुल ठीक हम असभ्य कम से कम अपना इतिहास पढ़ लें अपने शास्त्रों को पढ़ लें हम कौन थे और इसलिए जो वैदिक काल है उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं वो मैं चर्चा नहीं करता केवल एक चर्चा मैंने किया है आप अध्ययन करिए अब औपनिषदिक काल आता है ये वेदों के और चार हजार वर्ष बाद आता है आज से सात आठ हजार वर्ष पहले उसमें कि गार्गी का उल्लेख आपने किया सोनल जी ने किया है गार्गी कौन है याज्ञवल के जो बैठे हैं जनक के सभा में जनक ने कहा जो जीतेगा वो गायों को ले जाए एक हजार गायों के सिर पर और स्वर्ण मरा हुआ है कोई नहीं आया बोल के कहते अपने शिष्यों को गायों को ले चलो अपने आश्रम में तुरंत लोग खड़े हो जाते आपका सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ना ना हम बुद्धिमान नहीं हम विद्वानों को प्रणाम करते हैं हमको गायों की आवश्यकता है गार्गी आती है हम शास्त्रार्थ करेंगे हम शास्त्र वो सारा किस्सा सुंदर है एक के बाद एक प्रश्न पूछती है भरी सभा में हजारों विद्वान लोग बैठे हैं और अंत में जब थोड़ा सा नाराज हो गए याज्ञ बल्क और बोलते इतना प्रतिप्रश्न प्रतिप्रश्न बार बार तुम करती हो ऐसा मत करो ऐसा करने से तुम्हारा सम्मान गिर जाएगा अच्छा अच्छा दो प्रश्न और पूछती हूँ आप तैयार हो जाइए उत्तर देते हैं अंत में देखिए गार्गी घोषणा करती है अब याज्ञ बल्क से अधिक विद्वान इस सभा में कोई नहीं है सी डिक्लेयर्ड कोई सामान्य महिला थी सामान्य महिला नहीं थी ऐसे अनेक महिलाओं को हम औपनिषदिक काल में देखते हैं जो गहन अध्ययता हैं। अब रामायण का काल आता है रामायण के काल में आप राम के पूरे परिवार को देखते हैं कह कई को दो वरदान दशरथ जी ने दिए हैं, लेकिन दोनों वरदानों को दिया कहां है जब दशरथ एक शंबासुर असुर से युद्ध करने के लिए गए युद्ध के मैदान में गड़बड़ हो गया ये 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 जो कैकई है ये रथ चला रही है रथ चलाने वाली कैकई है अचानक जो है दशरथ बीमार हो गए रथ भी बिगड़ गया उस रथ को संभाल कर बीमार और घायल दशरथ को लेकर युद्ध भूमि से वापस लेकर के आती है दशरथ को आश्चर्य होता है इतनी कुशल है ये अर्थात युद्ध क्षेत्र में जाकर रथ चलाने वाली और लड़ने वाली महिलाएं थी ये हमारा रामायण काल था राम का परिवार एक आदर्श परिवार बन गया राम को वनवास हो गया वनवास हो गया तो मां के पास कौशल्या के पास आते हैं मां पूछती है कौशल्या तुमको बन जाने का आदेश पिता ने दिया है या माँ ने दिया है मां माने क्या कही अगर पिता ने दिया है तो मैं कहती हूं मत जाओ मतलब मैं पिता की आज्ञा को ओवर रूल कर दूंगी चिंता मत करो लेकिन तुम बताओ तुमको माता ने भी कहा है क्या कह जाने को तो राम बोले हां तो कौशल्या क्या कहती है ध्यान रखिए कौशल्या कहती है जो पित मात कहेऊ बन जाना अगर माता पिता दोनों ने कह दिया है तो कानन शत अवध समाना अगर मां ने कह दिया है तो जाओ तो जंगल जो है सौ अवध पुरी से अधिक श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए तुम जाओ अगर केवल दशरथ का है तो मैं उनकी आज्ञा को ओवर रूल कर दूंगी चिंता मत करो अब आप बताइए ये बराबरी का दर्जा है नहीं बराबरी का दर्जा नहीं है और कैसे ये परिवार रहता है अब लक्ष्मण जो है जा रहे हैं साथ और अपनी पत्नी उर्मिला के पास आए उर्मिला तैयार बैठी है लक्ष्मण को विदा करने को लक्ष्मण के मन में शंका हुई कहीं सीता जी जा रही हैं, ये भी जाने की जिद न कर दे हम भी जाएंगे हम क्यों नहीं जाएंगे लेकिन उर्मिला ने एक बार भी लक्ष्मण को यह नहीं कहा कि हम भी चलना तुम जाओ तुम्हारा कर्तव्य बड़े भाई और ये उनकी पत्नी भाभी हैं इनको संभालना है इनकी देख चाहिए और पूरे चौदह वर्षों तक यह जो है वहीं रहती है अपने घर में रहती है शांत रहती है कैसे पूरा परिवार चाहे मांडवी है जो भरत की पत्नी है उर्मिला है वो लक्ष्मण की पत्नी है सुमित्रा है कौशल्या है चौदह वर्ष मिलकर कर के रहती है ध्यान में रखिए मंत्रा तो घर घर मिल जाएगी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाएगी कम ज्यादा लेकिन हमारा घर अच्छा बनार है ये रामायण का काल जो है ये हमको एक आदर्श रूपी घर का दर्शन कराता है बनवास तो राम को हुआ है देखिए लेकिन भरत कभी बिस्तर पर नहीं सोए भरत जमीन पर सोए भरत अयोध्या में नहीं रहे भरत कुटिया बना करके जंगल में रहे सबका त्याग बराबर था किसी का त्याग कम नहीं था रामायण काल में हम इन महिलाओं को देखते हैं ये महिलाएं कैसे घर के अंदर वातावरण सुंदर बना करके रखती हैं महाभारत के काल में आइए यहां हम द्रौपदी को देखते हैं द्रौपदी के बारे में बहुत बातें चर्चा में चलती है मैं एक प्रसंग का उल्लेख करता हूं द्रौपदी भरी सभा में आई है सब बैठे हैं भीष्म पितामह बैठे हैं कृपाचार्य है द्रोणाचार्य है धृतराष्ट्र भी है पांचों पांडव बैठे हैं पूरी भरी सभा में वो द्रौपदी प्रश्न सबसे करती है कॉमन क्वेश्चन करती है द्रौपदी पूछती है मैं जानना चाहती हूं क्या मैं धर्म से जीती गई थी क्या युधिष्ठर को यहां पर जो जुआ खेलने के लिए बुलाया गया था क्या वे इच्छुक थे उन्होंने बार बार मना किया था मैं जुआ खेलना नहीं चाहता फिर भी आपने आग्रह करके बार बार बुलाया उनको हराया तो मैं जानना चाहती हूं क्या मैं धर्म से जीती गई थी क्या मेरे को जीता वो न्याय संगत है द्रौपदी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका पिता ने उत्तर देने की कोशिश की लेकिन द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं था भीष्म कहते धर्मस्य परमामुगति धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है परम है इसको बता पाना मुश्किल है द्रौपदी बाद में भीष्म बोलते हैं कुर सर्वे लोभ मोहपरायणा ये कौरव सारे के सारे लोभ में पड़ गए हैं ये द्रौपदी का प्रश्न का उत्तर नहीं है द्रौपदी नाराज हो जाती है द्रौपदी ऐसा वाक्य बोलती है जो सारे दुनिया के सारे विश्व के सारे सभाओं के लिए परमानेंट है स्थाई है दुनिया का कोई भी पार्लियामेंट होगा कोई भी सभा होगी उसका वाक्य लगा देंगे वो पक्का वाक्य है। भारत की पार्लियामेंट में वाक्य लगा हुआ है द्रौपदी हिम्मत के साथ उस सभा में उस परिस्थिति में वो खड़ी है क्या बोलती है नसा सभा यत्र न वृद्धा वो सभा सभा नहीं होती जहां कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग ना बैठे नदंती धर्मम वृद्ध वृद्ध नहीं होता जो धर्म की बात नहीं कहता ना सऊ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति वो धर्म धर्म नहीं होता जिसमें सत्य नहीं होता न त सत्यम वो सत्य सत्य नहीं होता या छले जिसमें छल होता है क्या बोलती है द्रौपदी बिना वृद्ध के सभा नहीं और वो वृद्ध वृद्ध नहीं जो धर्म के ऊपर न चले वो धर्म धर्म नहीं सत्य न हो वो सत्य सत्य नहीं होता है छल होता है आज जो हुआ है ये सभा में ये छल हुआ है ये अधर्म हुआ है ये सभा सभा नहीं है मैं सभा को सभा नहीं मानती वो डिक्लेयर कर देती है उस सभा के अंदर ये सभा अधर्म की सभा है लेकिन द्रौपदी का काम यहां पूरा नहीं हुआ द्रौपदी बदला चाहती है अधर्मियों को पाठ पढ़ाना चाहती है आदनी बहनों इस द्रौपदी के चरित्र को याद रखिए उसने अपने पतियों से कहा पति तैयारी नहीं हुए क्यों सब युधिष्ठिर की बात मानते थे आप महाभारत में एक संवाद देखिए युधिष्ठिर का और द्रौपदी का है द्रौपदी कहती इसको क्रोध नहीं आता वो क्या क्षत्रिय है युद्ध समझाते नहीं क्रोध नहीं क्षमा क्षत्रिय का भूषण है वो लंबा संवाद आप पढ़िए कभी द्रौपदी निराश हो गई उसने कृष्ण को बुलाया जंगल में वार्ता हुई जंगल में पांचों पांडव भी हैं कृष्ण भी बैठे हैं द्रौपदी भी बैठी है सारी वार्ता में ये ध्यान में आया ये पांचों पांडव लड़ने को तैयार नहीं तो नाराज और दुखी मन से निराश होकर द्रौपदी एक श्लोक बोलती है ये पति मेरे पति अब नहीं रहे मेरे पांच बेटे भी मेरे नहीं है मेरा अब कोई बंधु भी नहीं बचा कोई भाई भी अब नहीं है पिता भी अब नहीं मानती मैं और हे कृष्ण तुम भी मेरे नहीं हो जाओ नैव मे पत सन्ती न पुत्रा न च बांधवा हा न भ्रातरो न च पिता नम मधुसूदन हिम्मत देखिए मधुसूदन तुम भी मेरे नहीं हो जाओ यहां से अब वो जानती थी अगर कृष्ण तैयार हो जाएंगे तो काम बनेगा ये तैयार नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा उसने ऐसी घोषणा कर दी कृष्ण भी हिल गए कृष्ण को भी हिला के रख दिया अंत में कृष्ण कहते हैं अच्छा तू चिंता मत कर जब द्रौपदी ने ऐसा कठोर बोल दिया तो कृष्ण ने कहा अच्छा तू चिंता मत कर तू एक दिन महारानी बनेगी जा अब जो कृष्ण ने कहा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है देखिए ये 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 महिला है और ये तैयारी कर रही है पूरी अकेली लड़ रही है ये पांचों पांडव तैयार नहीं है तो कृष्ण को तैयार कर ही लिया इसने और कृष्ण कहते हैं सत्यम ते प्रतिजानामी तू सत्य इस बात को जान ले राज्ञाम रागी भवेत तू एक दिन महारानी बन जाएगी पते तक देऊ आकाश गिर जाए हिमवान क्षीरिय ये हिमालय टुकड़ा टुकड़ा हो जाए पृथ्वी शक्ली भवे ये धरती उलट पुलट हो जाए सुन निधि ही सारा समुद्र सूख जाए कृष्ण हे द्रौपदी नमे मोघम बचे भवेत मेरा वचन अब झूठा नहीं होगा जा तू अब देखिए एक छोटा काम नहीं था ये बड़ा लेकिन द्रौपदी ने कुल मिलाकर के कृष्ण को तैयार कर लिया और आगे का काम हम जानते हैं क्या हुआ एक एक करके उस सभा में बैठे थे जो जो इस अधर्म के साथ थे सबको अंत में मोक्ष दिलवा दिया इसने सबको ठिकाने लगवा दिया और इसलिए वो सर्वकाल के लिए एक आदर्श महिला है अत्याचार के खिलाफ अधर्म के खिलाफ असत्य के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है वो समझदारी वो बुद्धिमत्ता वो कुशलता वो नीतिमत्ता जो कुछ सीखना है सब कुछ इस द्रौपदी में मिल जाएगा इसलिए वो द्रौपदी की महानता को हम समझें वो भी एक काल था वो हमारे देश की वो पूर्व महिला है अब बौद्ध काल में आइए जब बौद्ध काल में देखेंगे तो जो गौतम की माँ है बुद्ध की वो तो मर गई थी लेकिन बुद्ध की मौसी है इसने इनको पाला उसका नाम गौतमी है इसलिए इनका नाम भी गौतम पड़ गया जब तो बुद्ध ने जब ऐसा ले लिया अपना श्रमण जैसे हो गए भिक्षुक हो गए चले गए बाद में ख्याति मिली तो गौतमी भी चली गई 500 महिलाओं को लेकर के गई ये प्रवज्ञा ले ली भिक्षुणी बन गई महारानी है भिक्षुणी बन गई प्रवचन देती रही स्थान स्थान पर और महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बन करके इस बौद्ध मत के विस्तार में लग जाती है बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा है वह भी इसी काम में लग जाती है और बाद में हम देखते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं जो बौद्ध मत के विस्तार का काम करती हैं एक नया आंदोलन है इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है मतलब एक नाम का उल्लेख आपको करूंगा हमको जानकारी शायद शायद कम होगी वो सम्राट अशोक की पुत्री है वो चक्रवर्ती सम्राट है उसकी पुत्री संगमित्रा है वो संगमित्रा मित्र अठारह वर्ष की आयु में ही दीक्षा ले लेती है भिक्षुणी बन जाती है इसका बड़ा भाई जो है महेंद्र वो लंका में चला गया है वो वहां से पत्र भेजता है लंका का राजा तिस्त है वो तिस् जो है वो अशोक को कहता है अपनी बिटिया को भेजो यहाँ संगमित्रा बत्तीस वर्ष की आयु में ग्यारह और महिलाओं को लेकर के लंका गई है और आज हम लंका के अंदर जो बौद्ध मत देखते हैं उसके अंदर इस संग मित्रा का योगदान कम नहीं है वो संग मित्रा जो है अपने पिताजी को पत्र लिखती है संग मित्रा लंका जाने के पहले वो लिखती है महान राजा मेरे भाई का आदेश अनिवार्य है इसका भाई बुलाता है वहां से लंका में जिन महिलाओं को ठहराया जाना है वे कई हैं इस कारण यह नितांत आवश्यक है मुझे वहां जाना चाहिए सम्राट अशोक से अनुमति लेकर ग्यारह और महिलाओं को लेकर के चली गई ईसा से 200 वर्ष पहले गई है ढाई वर्ष पहले महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इस देश में कभी भी कम नहीं रहा ये हम लोग ध्यान में रखे हम लोग मध्यकाल में आते हैं बड़ा कठिन काल है सारा देश कहीं न कहीं संघर्ष में है पराधीनता से जूझ रहा है मंदिर टूट गए बड़े बड़े विश्वविद्यालय नष्ट हो गए महिलाएं संकट में आ गई लाखों महिलाओं का अपहरण होकर के दुनिया के बाजार में बिक्री हो गया था या अब्दाली था चाहे गौरी था गजनी था ये सब महिलाओं को ले लेकर के दुनिया के बाजार में बेच दिए बड़ा अपमानजनक काल है भयंकर अपमानजनक काल है और इसलिए महिलाओं की हमारी बालिकाओं की सुरक्षा हो जाए अनेक प्रकार के प्रतिबंध हमारे ही समाज ने इन पर लगाए इतनी बड़ी योग्य महिलाएं थीं, जो शास्त्रार्थ करती थी रिचाएं देती थीं, उनका विद्यालय गुरुकुल जाना बंद हो गया राम का विवाह कृष्ण का विवाह बुद्ध का विवाह एक आयु में होता था बालिका सुरक्षित रहे बाल विवाह शुरू हो गए विवाह दिन में होते थे सुरक्षा की दृष्टि से विवाह रात्रि में होने लगे हमारे देश में कोई सती प्रथा नहीं थी कोई एक आधा महिला कभी किसी कारण से अपने पति के साथ चली गई बात दो छोड़ दीजिए यह प्रथा नहीं थी लाखों करोड़ों में कोई एक आधा घटना कभी हो जाती थी लेकिन बड़े बड़े जौहर होने लगे महिलाएं सती होने लगी विधवा विवाह पर रोक नहीं थी लड़के युद्ध में मारे जाने लगे तो लड़कों की कमी होने के कारण से विधवा विवाह पर रोक आ गया और इसे महिलाएं धीरे धीरे अशिक्षित हो गई बाल विवाह की बुराई आ गई विधवा विवाह निषेध हो गया ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध हमारे देश में अपनी महिलाओं बालिकाओं पर लग गए यह अवमूल्यन का काल था क्षरण का काल था डिवेल्युएशन था समाज का नियम नहीं है वो एक तरह से आपातकाल है कैसे हम सुरक्षित रहें महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कहा है उस महाकठिन काल में बहुत कुछ हमारा अच्छा छूट गया है धर्म और प्राण की रक्षा के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं आना चाहिए हमारे साथ आ गया है आज वही हमारा नियम जैसा लगता है हमको लेकिन इस युग में बारहवीं शताब्दी से लेकर के अठारहवीं शताब्दी तक महिलाओं की फिर बड़ी भूमिका है हमको ध्यान में रखना है तेरहवीं शताब्दी में रामानंद बड़े संत हैं जिनके शिष्य कबीर और रेदास हैं। उनकी शिष्याएं भी हैं बड़ी मात्रा में वे वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए निकल गई उनमें सुर है और पद्मावती भी है तमिलनाडु में वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए घूम रही है उसका नाम अंडाल है बड़ा साहित्य है कश्मीर में शही मत को लेकर के आगे बढ़ रही है उसका नाम लल्लेश्वरी है राजस्थान में जो जाति का भेद समाप्त कर और महिलाओं में जो पर्दा व्यवस्था खत्म कर जो आंदोलन करने के लिए बाहर निकली है उसका नाम मीराबाई है इसके साथ अनेक महिलाएं निकल पड़ी जिनका नाम सोडी नाती है दयाबाई है फूलीबाई है सहजोबाई है ये सब संत बन गई महाराष्ट्र में एक मुक्ताबाई है मुक्ताबाई सोलह वर्ष की है केवल और भी कम ये चौदह वर्ष की है तो संत ज्ञानेश्वर एक बात पर दुखी हो गए नाराज हो गए संत ज्ञानेश्वर बहुत बड़ा नाम है इन्होंने सोलह सत्रह के वर्ष की आयु में गीता पर टीका लिख ज्ञानेश्वरी बहुत बड़ा विद्वान है ज्ञानेश्वर लेकिन भिक्षा मांगने गए लोगों ने के भिक्षा में मिट्टी डाल दिया अलग घटना है वो मैं नहीं चर्चा करता दुखी हो गए जीवन व्यर्थ है एक कमरे में कुंडी अंदर से लगा कर, के अंदर बैठ गए ज्ञानेश्वर छोटी बहन है इसका नाम है मुक्ताबाई चौदह पंद्रह वर्ष की है मुश्किल से इसने अभंग लिखे भजन लिखे और दरवाजे पर बैठ के बाहर सुनाती है अंदर बड़ा भाई बैठा है वो दुखी है वो भजनों का नाम है ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वर। हे ज्ञानेश्वर दरवाजा खोलो और धीरे धीरे अनेक भजन धीरे धीरे सुनाती है वो कहती है वो मुक्ता भाई देख भाई कभी कभी जीव दांत के बीच में आ जाती है तो ना ना दांत तोड़ा जाता है और न जीव काटी जाती दोनों अपने ही होते हैं जीव दंता चावली कोणे बत्ती सी भैया बाहर निकलो ज्ञानेश्वर आत्महत्या को तैयार है लेकिन ज्ञानेश्वर का जीवन बचा रहे मुक्ताबाई महान ज्ञानी ज्ञानेश्वर को ज्ञान देने का काम करती है समर्थुर रामदास की बहना बाई है समर्थुर रामदास चले गए तो बहना बाई सैकड़ों अखाड़ों का संचालन यह करती है आंध्र प्रदेश में मोल्ला है वो रामायण लिखती है कर्नाटक में अक्का महादेवी है और इसलिए हम देखते हैं अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो सारे आंदोलन में एक धार्मिक गति प्रदान करती है बहनों हमारा एक सिद्धांत है वो सिद्धांत ऐसा है, है हमने महिला को मां के रूप में ही देखा है क्यों किसी भी महिला का वो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है हम दक्षिण में जाते हैं तो छह वर्ष की बालिका को भी अम्मा ही बोलते हैं मातृवत पर्दा रेशो ये हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल है और इस सिद्धांत को पूरा देश बहुत मन से स्वीकार करता है इसके सैकड़ों हजारों उदाहरण है जितना गहरा बैठा है लोगों के जीवन में औरंगजेब का बेटा एक नाम है उसका अकबर अकबर टू ये विद्रोह करके भाग गया अपने परिवार को लेकर के चला गया लेकिन परिवार में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ गया दुर्गादास राठौर के पास और चला गया ईरान की ओर वहां जाकर उसकी मृत्यु हो गई देखिए इसकी पत्नी और बच्चे दुर्गादास राठौर के पास थे इसकी इसकी जो बेटी है उसका नाम है सफियातुन निशा कई वर्षों के बाद औरंगजेब और ने दुर्गादास राठौर को कहा क्या आप हमारे बच्चों को वापस कर सकते हो दुर्गादास ने कहा एक वापस करूंगा उन बच्चों को तुम संभाल करके जिंदा रखोगे वापस आ गए सफियत सफियत तुम और उसकी मां वापस आ गई औरंगजेब ने पूछा बेटा तुमको कैसे रखा उ, 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 उस बदमाश आदमी ने तो सफियतुल्ल साह कहती है वो कैसा है ऐसा औरंगजेब इस बेटिया से पूछता है ये बेटी बोलती है कि दादाजी हमने उनको देखा नहीं लेकिन वे आते थे हमसे बात जरूर करते थे हालचाल पूछते थे खाना ठीक है रहना ठीक है सब ठीक है तो बात कैसे करता था नहीं बात ऐसे करता था बीच में पर्दा लगा रहता था उधर आते थे हम इधर बैठते थे उन्होंने हमको कभी नहीं देखा हमने उनकी आवाज़ सुनी रौबदार आवाज़ थी जूते की आहट सुनी इसके अलावा कुछ नहीं उन्होंने अजमेर से मौल भी बुलाए थे हमको कुरान पढ़ाने के लिए उन्होंने हमको कुरान पढ़ाया हमको अरबी भाषा सिखाई लेकिन हमको मिले नहीं कभी हमको बहुत सम्मान से रखा ये भारत का दर्शन है वो चाहे बेटी थी चाहे उसकी माँ थी उसको सकुशल वापस किया ऐसे एक दूसरे युद्ध में जो महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौर मुगलों की सेना से लड़ रहे थे तो औरंगजेब की पत्नी है गुलनार बेगम इनका टेंट रह गया और राजपूतों के हाथ में आ गया गुलनार बेगम को राजपूत पकड़ करके ले गए वो पेश की गई वहां उसको उपस्थित किया गया तब तो राज सिंह ने दुर्गादास ने कहा सम्मान के साथ भेंट देकर पालकी में बैठा लो वापिस करो पूरी भेंट दे करके पालकी में बैठाल करके और लड़ाई औरंगजेब से है महिलाओं से नहीं हम दूसरे की महिलाओं को मा में मानते मा स्वरूपा रीशु शिवाजी महाराज का हम लोग जानते ही हैं गोहरबानू का केस जो था वो मैं आपके सामने नहीं बोलता लेकिन एक केस और है बड़ा महत्वपूर्ण था वो ऐसा था जब द्वितीय विशुद्ध था तो द्वितीय विशुद्ध के समय जो मित्र देशों की सेना थी इसने बड़े अत्याचार किए थे तो टोरंटो टोरेंट में वहां की महिलाओं पर अत्याचार इन ब्रिटिश की सेना ने अमेरिका की सेना ने किए थे लेकिन उनमें भारत की सेना भी थी भारत की सेना के लोगों ने वहां की महिलाओं की सुरक्षा की थी और 1967 में हमारा एक जहाज ब्रह्मपुत्र जब आ रहा था तो टोरंटो के लोगों ने भारतीय सैनिकों का स्वागत किया 1967 लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ भारत के लोगों को कहा आपके लिए डिनर आपके लिए परचेजिंग फ्री ऐसा क्या हो गया तो लास्ट एक जो उन्होंने कार्यक्रम रखा फेयरवेल का इनका तब तो उन्होंने बताया केवल और कल भारत के लोग ऐसे थे सैनिक जिन्होंने यहां की महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए बल्कि यहां की महिलाओं को बचाया सुरक्षा दी इन्होंने महिलाओं का सम्मान बरकरार रखा इस कारण से हम आप लोगों को यहां इन्वाइट किए हैं आज यह भारत का दर्शन है ये बात सच है कि पराधीनता के काल में बहुत सारी बातें आ गई हैं जो बुराइयां आई हैं आक्रमणकारियों के कारण से आई हैं इन सबको ध्यान में उसी रूप में अपने को रखना है आज बड़ी चुनौती हमारे सामने है पश्चिम की एक बड़ी हवा चल रही है वो पश्चिम की हवा ने सारी दुनिया को हिला के रखा है हमारे देश की महिलाओं को ध्यान में रखना है अपने को आगे बढ़ना है आप टेक्नोलॉजी में जाओ आप एयर क्राफ्ट चलाओ आप पंडुप भी चलाओ आप, आप इसरो में जाओ आप सीएसआईआर में जाओ साइंटिस्ट बनो डॉक्टर बनो इंजीनियर सब कुछ बनो लेकिन अपने को महिला भी रहना है एक गृहिणी जो है वो घर की धुरी है ध्यान में रखना है गृहिणी जो है ये बच्चों को पूरे परिवार को संस्कार देने का काम करती है ये अपने को ध्यान में रखना है ये संस्कार देने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता संस्कारों का क्षरण हो गया तो कुछ भी मिला वो काम का नहीं बचेगा ध्यान रखिए संस्कारों के साथ साथ अपने को आगे बढ़ना है 2017 का एक केस मेरे को भी हिला दिया उस केस ने वो आशा साहनी का केस है आपको मालूम है बंबई में आशा साहनी नाम की महिला थी संपन्न महिला थी सात करोड़ के मकान वो रहती थी उसका बेटा था ऋतुराज आई आई टी से पढ़ा होगा शायद बड़ा इंजीनियर बन गया अमेरिका चला गया कभी कभी माँ से बात कर लेता था 2016 में इसने बात की अप्रैल महीने में फिर बातचीत बंद हो गई 2017 में जब आया तो इसने जब दरवाजा तोड़ा अंदर से बंद था पुलिस को बुलाया तो देखा इसकी मां तो बहुत महीने पहले मरी पड़ी है वहां पर स्केलेटन है बस कितने महीने पहले मर गई मालूम नहीं क्या हम कल्पना कर सकते जिस मां का बेटा इतना अच्छा पढ़ा लिखा बड़ा पैकेज लेकर के अमेरिका जाता है और एक साल तक बात ही नहीं करता मां से ठीक है उसने कभी फोन किया होगा फोन बंद आया होगा वो नर्सिंग होम फोन करता पुलिस को फोन करता पड़ोसियों को बताता मेरी माँ बात नहीं कर रही क्या बात है जाकर के देखो ये नहीं किया इस नए इस परिवर्तन ने ऐसा मन क्यों बनाया इस लड़के का संस्कार कहा गया आज हजारों आशा सहनी है ध्यान में रखिए बड़े उत्साह से अपने बच्चों को बाहर भेजती है बाद में क्या होता है हमको मालूम है भेजो बाहर बाहर भेजने को मना नहीं है अच्छा पढ़ाने को मना नहीं है लेकिन बच्चों के संस्कार तो हो आशुतोष मुखर्जी करके जो एक वाइस चांसलर हो गए श्यामा बाबू के पिताजी थे इनको वायस राय ने कहा तुम पढ़ने के लिए विदेश चले जाओ आशुतोष मुखर्जी ने वायस राय को कहा मैं कल बताऊंगा कल क्यों बताओगे तुम तो नो नो, मैं अपनी मां से अनुमति लेने के बाद बताऊंगा अच्छा मां से पूछा वायस राय बोलता है कि मैं बाहर चला जाऊं माने कहा चले जाओ तो वाइस राय को आकर के आशुतोष मुखर्जी ने कहा हमारी मां ने कह दिया हम जा सकते हैं तो वायसराय बोलता है कल और आज में क्या अंतर हो गया नहीं अंतर यह था मैं हां कह के मां को बताता या मां से पूछ करके आपको बताता हूं इन दोनों में अंतर है आप समझ नहीं पाएंगे मेरी मां का स्थान वायसराय से बड़ा है बंकिम बाबू को बीए पास करने के बाद नौकरी का ऑफर आ गया मजिस्ट्रेट बनने का आप मजिस्ट्रेट बन जाइए बंकिम बाबू का यही उत्तर था पहले मैं मां बाप से पूछ लेता हूं उसके बाद बताऊंगा नौकरी करूं या नहीं करूं वाइसराय को आश्चर्य होता था ये हिंदुस्तान के बच्चे थे जो संस्कार पाए थे जयप्रकाश नारायण जी जर्मनी में पीएचडी कर रहे थे माँ का समाचार गया टेलीग्राम गया माँ बीमार है तुरंत आ सकते हो तो आ जाओ जयप्रकाश नारायण जी को उनके मित्रों ने कहा तुम चले जाओगे तो पीएचडी रह जाएगा जेपी बाबू ने कहा पीएचडी रह जाने दीजिए मेरी मां ने बुलाया है मैं जाऊंगा जरूर वे आ गए मां को मिले मां चली गई पीएचडी नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं लेकिन अंतिम समय में मैं मां के पास था इट वॉज दिस वॉज मोर देन माई पीएचडी ये संस्कार था ये संस्कार दुर्बल ना हो जाए घरों में बच्चों का संस्कार मिलकर के रहने का बना रहे आज बच्चों के कमरे अलग हो जाते हैं ये तुम्हारा कमरा है ये तुम्हारा कमरा है ये तुम्हारा कंप्यूटर है ये तुम्हारा कंप्यूटर है ये तुम्हारी गाड़ी है ये इसकी गाड़ी है हमने बंटवारा कर दिया सबका कुछ नहीं बचा जब सबका कुछ नहीं बचा तो क्या करेगा वो उसके अंदर ये स्वार्थ किसने जगाया बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते किसने बताया हमने सम्मान करना क्यों नहीं सिखाया हमने डॉक्टर बनाया इंजीनियर बनाया लेकिन एक हिंदू परिवार का बच्चा कैसा होता है ये नहीं बनाया आज एक मेरे को लड़का मिला नीरो सर्जन है प्रोफेसर है दिल्ली है। में ही है बोले मैं मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर पाता था एक दिन मेरे पिता ने कहा बेटा अगर तुम गणित पढ़ोगे तो तुम इंजीनियर बन के विदेश चले जाओगे तो मैंने पिताजी को पूछा पिताजी क्या पढ़ना चाहिए तुम बायोलॉजी ले लो आनंद होता है आज की सभ्यता ने बहुत कुछ दिया है ध्यान में रखना लेकिन बहुत कुछ छीन लिया है यह भी ध्यान में रखना मनुष्य अकेला होता जा रहा है डिप्रेशन में है शराब की खपत देश में सबसे ज्यादा हो गई है अमेरिका से तीन गुना शराब हमारे यहां पी जा रही है मालूम है आपको चौदह लीटर शराब प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष का कंजमस है भारत में आज हमारे घर में शराब क्यों आई वो इंसान लिखता है भारत में शराब नहीं पी जाती आज हम लिखते हैं भारत में शराब सबसे ज्यादा पी जाती है कौन जिम्मेदार है हमारे परिवार का वातावरण कैसा हो ये महिलाओं ने तय करना है हमारा विवाह होता है उस विवाह के दिन को तय करते समय पंडित को पूछते हैं कोई शुभ दिन निकालते है बच्चे का विवाह होता है शुभ लगन से करते हैं मान लो कोई विवाह पांच जून 2017 को होता है तो ये पांच जून से नहीं होता है वो होता है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी थी उस दिन लेकिन हम वर्षगांठ मनाते हैं तो अंग्रेजी दिन से मनाते हैं हम वर्षगांठ पांच जून की मनाते हैं हम भूल गए जब ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी कहते ही अपने कई बात ध्यान में आती है ज्येष्ठा नक्षत्र है चंद्रमा के साथ ज्येष्ठा बैठा था शुक्ल पक्ष था चंद्रमा बढ़ रहा था एकादशी की तिथि थी चंद्रमा ग्यारह दिन बढ़ चुका था तब हमारा विवाह था पांच जून से क्या पता लगेगा आपको हमारे घर के बच्चे अब हिंदी महीनों के नाम भूल गए वो चैत्र वैशाल ज्येष्ठ आशार नहीं जानते वो शुक्ल और कृष्ण पक्ष नहीं जानते वो अमावस्या पूर्णिमा नहीं जानते ये क्यों हुआ परिवर्तन राम ने नौमी के दिन जो है वो रावण को मारा सबको मालूम है दशमी का दिन जो था वो विजय उत्सव हो गया वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी थी हम आज भी वही मनाते हैं राम जब दीपावली पर घर आए वो अमावस्या थी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की थी हजारों साल बीत गए हम वही मनाते हैं कृष्ण की जन्माष्टमी थी भाद्रपद का रोहिणी नक्षत्र था अमावस्या वो काला पक्ष था कृष्ण का जन्मदिन था वो अष्टमी थी कृष्ण पक्ष की हम वही मनाते हैं हम बुद्ध का जन्म मनाते हैं वो पूर्णिमा के दिन मनाते हैं वो की पूर्णिमा थी हम मनाते हैं लेकिन आज के युग में ये बड़ा कठिन हो गया आज पश्चिम की धारा इतनी प्रभावी हो गई हमारे सिर पर बैठ गई है अभी सुधा मूर्ति जी का एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है वो कहती थी मैं अपना खाना अपने हाथ से बना करके ले जाती हूं 20-25 दिन का भी टूर करती हूं तो 20-25 रोटियां बनाकर और थोड़ा सा पोहा थोड़ा उपमा बनाकर ले जाती हूं केवल गर्म पानी मेरे को चाहिए आज महिलाओं को लगता है खाना बनाना हमारा काम है कोई खाना बनाने से बच्चे साथ रहते हैं खाना बनाने से बच्चों को प्रेम मिलता है आपको मालूम है इंदिरा जी स्वयं किचन देखती थी अपना जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तब इंदिरा जी किचन कंट्रोल करती थी और एक दिन ऐसा हुआ एक छह वर्ष का बालक जो था रोमी इसको मुन्ना नाम की फिल्म में अवार्ड मिला, था, था, मिला। छोटा सा बालक छह वर्ष का था नेशनल अवार्ड मिला राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे ये छोटा सा बालक अवार्ड लेने के लिए जब आया तो नेहरू जी ने इसको अपनी गोदी में बिठा लिया और प्रेम से कहा तुम कल नाश्ते पर हमारे यहां आना तो जो अब्बास करके इसके फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने नेहरू जी को पूछा क्या मैं अपनी पूरी टीम को ले आऊं हम दस बारह लोग आ जाएंगे तो नेहरू जी ने इंदिरा जी को पूछा क्यों इंदू जी बताओ रसोई में सामान पूरा है कि नहीं है इंदिरा जी को थोड़ा टाइम लगा बाद में अब्बास ने इंदिरा जी को पूछा इतना टाइम क्यों लिया आपने और मैं हिसाब लगा रही थी हमारे पिताजी बहुत लोगों को बुला लेते हैं हमारे रसोई का खर्चा नहीं चल पाता है हमारे पिताजी की सैलरी बहुत कम है बाहर से रॉयल्टी आती है तब तो घर का पेमेंट होता है किचन चलाना आसान काम नहीं होता अब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा जी रसोई देखती थी अपने को अजीब लगता होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये रसोई का मतलब केवल रोटी नहीं होता है रसोई का मतलब होता है सारे परिवार को प्रेम से बांध लेना और इसलिए हमने कहा जो प्रारंभ में हमारे जो भी विधाएं हैं जो भी रिद्धि है सिद्धि है जितनी भी क्षमताएं हैं वो परमात्मा की कृपा से भारत में नारी रूप में ही अधिकांश है वो जैसा तो बताया था मान सिंह जी ने वो चाहे वो शिक्षा है दया है करुणा है शक्ति है सब नारी रूप में ही है अधिकांश नारी रूप में ही है कभी कभी लोग मजाक करते हैं सांसद जो है ये पुलिंग है तो दूसरा बोला पुल्लिंग तो है लेकिन बैठता तो संसद में है वो स्त्रीलिंग है विधायक पुल्लिंग है बैठता है तो विधानसभा में बैठता वो है वो स्त्रीलिंग है पचास लोग अकेले अकेले पुल्लिंग हो सकते हैं पुरुष रूप जब साथ बैठते हैं तो समिति बन जाती है वो स्त्रीलिंग है सभा बन जाती है वो स्त्रीलिंग है संसद और विधानसभा भी स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग ही इन सब बातों को नियंत्रित करती है ध्यान रखिए पश्चिम में बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है फ्रीडम का किससे मुक्ति चाहिए बड़ा भारी प्रश्न है पश्चिम के बारे में अपने को जानना जो मैंने प्रारंभ में कहा था वो मैं फिर बताता हूं पश्चिम में जो महिला की उत्पत्ति है एक ब्रह्म के दो रूप में नहीं है वो एडम की पसली से बनी है जैसे एडम की पसली से बनी है इसका मतलब इंफीरियर हो गया सेकंड सेक्स है इसका मतलब सेकेंडरी हो गया आगे चल करके जो पूरी कहानी बताती है कि मनुष्य को पाप के लिए प्रेरित किया इसने इसे पाप की जिम्मेदारी है एडम और ईव का जो किस्सा जो है वो कहानी वो कहानी इस बात को डिक्लेयर कर देती है सारी धरती पर पाप की जिम्मेदारी महिला है सारे सिंह जो हुए रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी सिनर्स, तो मनुष्य की पसली से बनी सेकेंडरी इंफीरियर हो गई इसमें आत्मा नहीं है और पाप की जिम्मेदार है इसलिए महिला की उपेक्षा हो गई पूरे पश्चिमी जगत में महिलाओं की घोर उपेक्षा हुई उसके कारण से वह आंदोलन चला लंबी कहानी है मैं मैगना काल्ट कब आया तेरहवीं शताब्दी में और इंग्लैंड में अधिकार कब मिला उन्नीसवीं शताब्दी में अमेरिका में कब संविधान बना और कब अधिकार मिला वोट डालने का सारी दुनिया का देखिए भारत में जिस दिन संविधान बना उसी दिन महिलाओं को अधिकार मिला वोट डालने का ध्यान में रखिए आप 1950 में संविधान बना 1950 के ही संविधान में डिक्लेयर कर दिया गया सभी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा लड़ाई बराबरी की है लड़ाई पुरानी कहानियों को आधार मान करके जो व्यवस्थाएं बनी उस व्यवस्थाओं से लड़ाई है हमारे देश में ऐसी धारणा नहीं महिला हमारे यहाँ फिलोसफिकली सम्मानजनक स्थान पर है हम अपने पूर्व को देखें पूर्व महिलाओं को देखें उनके कर्तत्व को देखें उनके दर्शन को देखें वर्तमान को देखें जो कमी है उसको सुधार लें जो अच्छा है संभाल कर पकड़ करके रखें भविष्य का निर्माण आपके हाथ में मैं आपको विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं, नमस्कार